नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान में लगी पड़ी है अपनी सरकार। जी हाँ, चाइनीज एप्लीकेशंस को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी अपनी सरकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर पबजी मोबाइल के साथ साथ 118 और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। 116-117 एप्लीकेशंस को छोड़ो यार, पबजी मोबाइल, पबजी लाइट यहाँ पे टोटली बैन हो चुका है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें खुश भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी है। काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। यार, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो फ़ायदे वाली और एक नुकसान। यहाँ पे किसी बच्चे ने अपने फादर के वॉलेट से 16 लाख रुपए इन ऐप परचेजेस में लगा दिए थे। तो सोचो यार, एक छोटा सा बच्चा अपने फादर का वॉलेट यूज़ करके इतने पैसे खर्च कर रहा है। बहुत से बंदे चिकन डिनर ना होने के कारण डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और फिर गाइस बहुत से लोगों इसमें आत्महत्या तक के केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर पबजी को बैन होना सही है या नहीं, ये तो खैर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन गाइज, यहाँ पे बात करें इस पबजी को बैन करने का मेन रीजन, तो मेन रीजन है इसका चाइना से कनेक्शन। ऐसे में गाइज, काफी सारी वीडियोस बनी थी, काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने बताया था कि ये चाइनीज एप्लीकेशन है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी एप्लीकेशन में चाइनीज एप्लीकेशन का थोड़ा सा भी हिस्सा होगा ना, तो सरकार उसे बख्शेगी नहीं, उसे टोटली लाट मार के इंडिया से बाहर निकाल देगी। और ये चीज सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी सही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये पहली यार दूसरी बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार है कि 118 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। और दोस्तों, बात रही पबजी की, तो गाइस पबजी के अंदर चाइना के भी थोड़े से शेयर्स थे, यानी कि उनका भी कनेक्शन था पबजी के साथ। तो ऐसे केस में गाइस, यहाँ पे पबजी को टोटली लात मार के निकाल दिया गया है। तो गाइस, फिलहाल के टाइम पे अगर अभी आप फिलहाल खेलेंगे तो शायद अभी आप खेल पा रहे होंगे पबजी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि टिकटॉक ही बैन किया था, उसके अगले दिन ही बिल्कुल ही रफा सेट कर दिया, लाइक कहीं से भी आप उसे इंस्टॉल करके प्ले नहीं कर सकते, इंडिया के सर्वर से ही उसे बैन कर दिया गया। कुछ इसी टाइप की चीजें पबजी के साथ भी होने वाली है। तो गाइस, अगर आप काफी ज्यादा एडिक्टेड है तो आज यार खेल खेल के अपने शौक पूरे कर लो, क्योंकि कल से तो आई थिंक नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गाइस बैन होगी तो टोटली बैन हो जाएगी, आप किसी तरीके से इस पबजी मोबाइल को नहीं खेल पाएंगे। तो यार, ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है सरकार से। और गाइस, यहाँ पे जो अपनी सरकार है, सीधा एक झटके में ही सारा फैसला कर देती है। तो गाइस देखो, अब यार ये परमानेंट बैन इसके ऊपर लगा है या फिर टेम्पररी बैन, क्योंकि गाइस ये बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, ये गाइस केस फायर करेंगे, फिर केस वेस लड़ेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है यार, ये पबजी पे बैन हटता है या फिर नहीं हटता है। तो गाइस, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप पबजी खेलते थे या नहीं खेलते थे, आप पबजी बैन होने पर खुश हुए हैं या नहीं हुए। दोस्तों, काफी सारे पेरेंट्स से जो कि खुश हो जाएंगे कि पबजी बैन हो गया है तो मेरा बेटा 24 घंटे फोन में घुसा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन गाइस, यहां पे काफी बड़े-बड़े स्ट्रीमर्स थे जो कि पबजी स्ट्रीम करके काफी ज्यादा पैसे को अर्न भी करते थे। लेकिन गाइस, स्ट्रीमर को आई थिंक कोई ज्यादा खास इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस गेम तो यहां पे बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो किसी भी गेम को प्ले करके स्ट्रीम करके पैसे वैसे अर्न कर सकता है। लेकिन गाइस, यहां की जो यूथ है जो कि टोटली एडिक्ट हो रखी थी पबजी मोबाइल को लेकर, तो बेसिकली यहां पर पबजी मोबाइल को जो बैन कर दिया गया है। तो गाइस, यहां पे आपको स्क्रीन पर सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, 118 एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगी, और पहले भी मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। तो गाइस, आप वीडियो को पॉज करके उन सारे एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जो गाइस हमारे यहाँ पे मेन फोकस था, वो था हमारा पबजी मोबाइल, पबजी लाइट। तो दोस्तों, सफाचट हो चुका है पबजी मोबाइल और पबजी लाइट, आज कल में भी चले, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो है टोटली बैन हो जाएगा और आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। गाइस, खेलने के लिए काफी सारे गेम्स हैं, आप उन सभी गेम्स को खेलिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे अपने देश के बारे में सोचिए, पबजी का चाइना के साथ कनेक्शन है, और चाइना के साथ कनेक्शन बोले तो बहुत ही बड़ा खतरा। डेटा लीक्स विक्स को लेकर के काफी ज्यादा चीजें सुनने में आई थी, तो यार काफी दिनों से बातचीत हो रही थी पबजी बैन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, फाइनली यहां पर रिजल्ट आ चुका है, पबजी को बैन कर दिया गया है। तो यार, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं आप इससे खुश है या फिर नाराज है, या फिर आप जो अपील करना चाहते हैं अपनी सरकार से, वो आप अपील नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।